ओके, तो एमएससी पेपर फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी, उसका टॉपिक है थर्ड यूनिट का जेनेटिक मैपिंग। देयर आर कंटेंट इंट्रोडक्शन टाइप्स, लिंकेज मैपिंग, फिजिकल मैपिंग, टाइप्स ऑफ फिजिकल मैपिंग, क्रोमोसोमल टाइप्स ऑफ साइटोजेनेटिक्स मैपिंग एंड रेडिएशन हाइब्रिड यानी कि आरएच मैप एंड सीक्वेंस मैप। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में जेनेटिक मैपिंग होती क्या है, यानी कि जीन मैपिंग क्या है, किसी भी जीन की पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर किसी भी जीन का लोकेशन, और जो उस जीन की लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर, उस लोकेशन को डिटरमाइन करना, उस लोकेशन को पता लगाना, और दोनों जीन के बीच में डिफरेंसेस क्या है इस चीज का पता लगाना, ये कहलाता है मैपिंग, जीन मैपिंग। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, उस जीन का कौन से क्रोमोसोम के किस री अगर ये सपोज ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे किस वाले पॉइंट पे जीन प्रेजेंट है, पर्टिकुलर रीजन पे, कौन से रीजन पे प्रेजेंट है, दूसरा कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो है जीन मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग एग्जैक्टली ये बताता है कि क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड है, कौन सी लोकेशन पर पिन पॉइंटेड है, और पर्टिकुलर कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है। मैपिंग ऑल्सो एक्ट एज अ मेथड इन डिटरमाइनिंग विच जीन इज मोस्ट लाइकली रिकम्बाइन बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। एक लोकेशन ही नहीं बताता वो, जीन मैपिंग प्रोसेस से एक लोकेशन ही पता नहीं चलती, ये भी पता चलती है कि जिस जिस लोकेशन पर जीन प्रेजेंट है वो कितनी बार रिकम्बाइन अपने आप को कर रहा है, कितनी बार बना रहा है, कितनी बार बिगड़ रहा है, कितनी बार अपने लोकेशन चेंज कर रहा है, वो सब भी जीन मैपिंग के थ्रू हमें पता चलता है। बेसिकली जो जीन मैपिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, लिंकेज मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। लिंकेज मैपिंग की बात करते हैं, लिंकेज मैपिंग में जीन का अरेंजमेंट शो होता है। लिंकेज मैपिंग में जीन का अरेंजमेंट शो होता है, और जेनेटिक मार्कर के बिहाफ पर कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पर है, जेनेटिक मार्कर से हम जीन के अरेंजमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, और एक दूसरे से किस टाइप से वो इनहेरिटेड है वो भी हम कंफर्म कर सकते हैं किसके भी हाँ। लेकिन ये चीज किससे कर सकते हैं, जेनेटिक मार्कर से कर सकते हैं। लिंकेज मैपिंग दैट मीन्स लिंकेज मैप एक टाइप का मैप होता है जो रिकॉम्बिनेशन जीन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस होता है, जिसमें जो दो जीन है दोनों जीन के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर बेस्ड होगा। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है हम उसके बिहाफ पे लिंकेज मैप का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स लिंकेज मैप एक टाइप का मैप है विच आर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू मार्कर यानी कि टू जेनेटिक मार्कर यानी कि टू जीन के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर बेस्ड है। ये बेस्ड कब है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है तब। होमोलोगस क्रोमोसोम में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो लिंकेज मैप का हम यूज करते हैं, और लिंकेज मैप यूज होता है दो मार्कर के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। द ग्रेटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जेनेटिक मार्कर द फर्दर अपार्ट दे आर एज्यूम टू बी, कन्वर्सली द लोअर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द मार्कर द स्मॉलर द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की यानी कि सेग्रीगेट करने की एक दूसरे के साथ, वो दो जेनेटिक मार्कर के बीच में होती है।
दो जेनेटिक मार्कर के बीच में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मीन्स एक दूसरे से ज्यादा अपार्ट जाएंगे, दूर जाएंगे। जो लोअर यानी कि जो कम फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की दो मार्कर दो जीन के बीच में, वो कम होती है। कम होती है दैट मीन्स जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो कम होता है, दैट मीन्स दोनों जीन के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इतनी ज्यादा कम होगी। लिंकेज मैपिंग की हिस्टोरिकली देखते हैं हम। हिस्टोरिकली द मार्कर ओरिजिनली यूज बट डिटेक्टेबल फिनोटाइप्स, दैट मीन्स एंजाइम प्रोडक्शन, आइस कलर, डेराइव फ्रॉम कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, इवन एक्चुअली कन्फर्म और एज्यूम नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस सच एज माइक्रोसैटेलाइट्स और दोज जेनरेटिंग रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि RFLP हैज बीन यूज्ड। हिस्टोरिकली बेस्ड पे अगर हमें कोई भी किसी जीन का यूज करना है या उसकी फिनोटाइप को डिटेक्ट करना है, फिनोटाइप दैट मीन्स एंजाइम का प्रोडक्शन, आइस का कलर, उन सबको अगर हमें डिटेक्ट करना है तो डीएनए सीक्वेंस के कोड के बिहाफ पे हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और डीएनए के नॉन कोडिंग डीएनए के सीक्वेंस को हम एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि माइक्रोसैटेलाइट या दोज जेनरेटिंग रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ जिसमें RFLP का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लिंकेज मैपिंग में जो टेक्निक्स होती है RFLP उसका यूज होता है। लिंकेज मैप हेल्प रिसर्चर टू लोकेट देयर मार्कर सच एज दोज जीन बाई टेस्टिंग फॉर जेनेटिक लिंकेज ऑफ द ऑलरेडी नोन मार्कर। लिंकेज मैप के थ्रू जो जीन का लोकेशन होता है, कहाँ पे जीन का लोकेशन है उसका हम पता लगा लेते हैं। वो जीन जो जेनेटिकली लिंकेज होते हैं एक दूसरे के साथ उनका हम पता लगा लेते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपिंग लिंकेज मैप द डाटा आर यूज टू असेंबल लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज मैप के थ्रू एक लिंकेज ग्रुप को हम असेंबल कर लेते हैं। अ सेट ऑफ जीन विच आर नॉन टू बी लिंक्ड, जैसे ही दो जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं उसका पता चल जाता है। अ नॉलेज एडवांस मोर मार्कर कैन बी एडेड टू ग्रुप अंटिल द ग्रुप कवर इन द एंटायरली क्रोमोसोम फॉर वेल स्टडीज ऑर्गेनिज्म। द लिंकेज ग्रुप करस्पॉन्ड 1:1 विद द क्रोमोसोम, दैट मीन्स लिंकेज मैप में जेनेटिक मार्कर्स यूज होते हैं। उन जेनेटिक मार्कर्स का क्या काम है? उन जेनेटिक मार्कर्स का ये काम है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम की कौन कौन सी पोजीशन पर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कौन सा जीन क्या कलर देता है, कौन सा जीन क्या वर्क करता है, उसकी फिजिकल पोजीशन क्या है और देन उसका ओवरऑल क्या वर्क है। ये लिंकेज मैप है, आप देख पा रहे हो लिंकेज मैप में, लिंकेज मैप के थ्रू लिंकेज मैप में एक दो डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट है। जब दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट एक दूसरे के साथ कॉइल अप फॉर्म में होंगे, कॉइल अप फॉर्म में होने के बाद जब जैसे ही वो सेपरेट होंगे, सेपरेट होके जो सीक्वेंस होता है, सपोज एक ब्लू कलर का फ्रेगमेंट है और एक रेड कलर का फ्रेगमेंट है जिसपे क्रोमोजोम का लोकेशन ए बी एंड सी है, नीचे क्रोमोजोम पे जीन का लोकेशन स्मॉल ए बी एंड सी है। जैसे ही एक दूसरे के साथ कॉइल अप फॉर्म में होते हैं या जैसे ही एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में आते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होमोलोगस क्रोमोजोम में होता है ऐसा, होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस में जैसे ही ओवर क्रॉसिंग होगी तो ओवर क्रॉसिंग में तो जो कैपिटल ए बी होगा वो स्मॉल सी के साथ टाइप कर जाएगा, स्मॉल ए बी कैपिटल सी के साथ टाइप कर जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्रोमोजोम, आधा पार्ट उसमें एक जीन का है और आधा पार्ट उसमें दूसरे क्रोमोजोम का है, इस टाइप से अलग अलग फ्रेगमेंट इसमें बन जाएंगे। बात करते हैं फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड एक टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती है, जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस बताती है जो जीन क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है उस जीन का क्रोमोसोम के बीच में। अगर सपोज एक जीन एक एक जगह प्रेजेंट है, दूसरा जीन दूसरी जगह प्रेजेंट है, तीसरा जीन तीसरी जगह प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, तो कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। लिंकेज मैपिंग बताता है लोकेशन कौन सी जगह प्रेजेंट है और फिजिकल मैपिंग बताती है दो जीनों के बीच की दूरी कितनी है,
डिस्टेंस बताता है फिजिकल मैपिंग. ये डिस्टेंस डीएनए बेस पेयर के हिसाब से होता है. डीएनए दो डीएनए बेस पेयर में दोनों डीएनए के बीच की दूरी कितनी है, दोनों जीन के बीच की दूरी कितनी है, डीएनए मार्कर के थ्रू इस चीज का पता चलता है. जीन मैपिंग टेक्निक डिटरमाइन करती है डीएनए के सीक्वेंस को हाई एक्यूरेसी के साथ. जेनेटिक मैपिंग को जीन मैपिंग बोला गया है. वो एक तरीके से मार्कर जिसमें यूज होते हैं, और जीन मैपिंग में फिजिकल मैपिंग होती है. जीन मैपिंग इज अ लिंकेज मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग इज अ फिजिकल मैपिंग. फिजिकल मैपिंग में जो डीएनए के फ्रेगमेंट यूज किए जाते हैं और डीएनए के मार्कर यूज किए जाते हैं, वो लार्ज डीएनए के पीसेज होते हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं, फ्रेगमेंट में ओवरलैपिंग करते हैं. रिसर्चर या साइंटिस्ट डीएनए के बेस पर पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं. और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जीन लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, रेडिएशन हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन. इन टेक्निक्स के थ्रू हम फिजिकल मैपिंग में जीन की फिजिकल डिस्टेंस का हम पता लगा सकते हैं. आरएफएलपी टेक्निक जो कि लिंकेज मैपिंग टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम जीन की लोकेशन का पता लगाते हैं. डिफरेंट अप्रोच फिजिकल मैपिंग आर वेरिएबल फॉर एनालाइजिंग डिफरेंट साइज ऑफ जीनोम एंड अचीविंग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी. फिजिकल मैपिंग के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं जो डिफरेंट साइज के जीनोम के लिए यूज किए जाते हैं, और डिफरेंट लेवल की एक्यूरेसी उनसे मिलती है. लो एंड हाई रिजोल्यूशन मैपिंग और ऑल्सो क्लासेस फॉर वेरियस रिजोल्यूशन ऑफ जीनोम. लो और हाई रिजोल्यूशन मैपिंग के लिए भी हम वेरियस जीनोम का रिजोल्यूशन यूज करते हैं. पर्टिकुलरली जीनोम का क्रोमोजोम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्रोमोजोम के ऊपर जीन के डिस्टेंस के लिए इसे यूज करते हैं. थ्री बेसिक वेराइटीज ऑफ फिजिकल मैपिंग. फिजिकल मैपिंग में डिफरेंट टाइप की थ्री वेराइटीज है, लाइक दैट फ्लोरिसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फिस टेक्निक, FISS टेक्निक, रिस्ट्रिक्शन साइट मैपिंग, ये दूसरी टेक्निक है, एंड सिक्वेंसिंग बाय क्लोन्स, ये थर्ड टेक्निक है. फिजिकल मैपिंग का जो गोल है वो जीनोम का एनालिसिस करना है. कॉमन मैकेनिज्म अंडर जीनोम एनालिसिस, इसके थ्रू कंप्लीट जीनोम के सीक्वेंस का हमें पता चलता है. डीएनए टारगेट सीक्वेंस या फिनोटिपिक ट्रेट का हमें पता चलता है. अगर हमें एक्चुअल पोजीशन का पता होता है, जीन की एक्चुअल पोजीशन का, जो कुछ फिनोटाइप्स के थ्रू कंट्रोल होती है, उसके थ्रू हमें जेनेटिक डिजीज का पता चल सकता है. जिसके थ्रू हम, अगर हमें डिजीज का पता चल जाए तो हम न्यू ट्रीटमेंट उसके लिए डेवलप कर सकते हैं. समटाइम ऐसा होता है कि कोई सिम्टम्स ऐसा आता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर कि कोई अगर एक डिसऑर्डर कोई जीन प्रोवाइड करा रहा है, तो समटाइम उस जीन के किस कौन से जीन के वजह से ऐसा हो रहा है ये नहीं पता चल पाता. बट अगर फिजिकल मेथड के थ्रू या लिंकेज मेथड के थ्रू हम पर्टिकुलर उस जीन की जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि ये जीन कंटिन्यू डिसऑर्डर दे रहा है, और अगर हम इस जीन के लिए न्यू ट्रीटमेंट दे दें, इसके लिए अगर हम इस ट्रीटमेंट के थ्रू इसे इसका जो डिसएडवांटेज है उसे रोक दें, तो प्रिवेंशन प्रिवेंट हो जाता है, और न्यू ट्रीटमेंट के थ्रू वो बार बार डिसऑर्डर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. देख पा रहे हो आप इस डायग्राम में फिजिकल मैपिंग है. फिजिकल मैपिंग में एक पूरा जेनेटिक मैप है, ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है. ये ब्लू कलर का जो है ये है क्रोमोजोम. क्रोमोजोम के ऊपर 20, 30, 20, 25 एंड CM. जो 20, 30 है ये यहाँ पर जीन की लोकेशन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है.
साइटोजेनेटिक मैप में अगर हम इसका साइटोजेनेटिकली मैप निकालते हैं तो साइटोजेनेटिकली मैप में एक पी आर्म है और एक क्यू आर्म है. क्यू आर्म इज अ लॉन्ग आर्म एंड पी आर्म इज द शॉर्ट आर्म. ये लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने साइटोजेनेटिक्स में. तो पी आर्म एंड क्यू आर्म है ये. पी एंड क्यू आर्म में जहाँ पे 20 और 30 है अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया जाए तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिजिकल मैपिंग में पर्टिकुलर ये पता चलता है कि कौन सा जीन कहाँ पर प्रेजेंट है. 20, 50, 75, 100, 125, 150 अगर पर्टिकुलर 50 और 75 के बीच का अगर हमें सीक्वेंस देखना है तो वहां पे जीन का जो सीक्वेंस है डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हमें पता चलता है. जैसे ए टी सी ए जी टी ए जी सी ए टी जी सी ए इस टाइप का जो सीक्वेंस आ रहा है पर्टिकुलर ये सीक्वेंस इन दोनों जीन के बीच में प्रेजेंट है. That means physical mapping इतने इतने distance पर एक एक gene present है. Physical mapping के जो types होते हैं particular तीन type होते हैं. Chromosomal types of cytogenetic map and rehydration hybrid यानी कि RH map and sequencing sequence map. जेनेटिक मैपिंग जिसे हम लिंकेज मैपिंग कहते हैं जो मैंने पहले भी बताया अभी आपको लिंकेज मैप इज अ जेनेटिक मैपिंग. कैन ऑफर फेम एविडेंस दैट डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज लिंकेज टू वन और मोर जीन. अगर हमें कोई भी किसी भी प्लांट में किसी या किसी ह्यूमन बींग्स में अगर कोई डिजीज पेरेंट से चाइल्ड में जा रही है तो उसका हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर इस जीन की वजह से ये प्रॉब्लम है. मैपिंग ऑल्सो प्रोवाइड क्लू अबाउट विच क्रोमोजोम कंटेन द जीन एंड प्रिसाइसली वेयर द जीन लाई ऑन दैट क्रोमोजोम. ये भी पता चलता है हमें इससे कि कौन सा क्रोमोजोम ने कौन सा जीन को कंटेन किया हुआ है रखा हुआ है और किस जीन क्रोमोजोम की कौन सी पोजिशन पर वो जीन प्रेजेंट है. जेनेटिक मैपिंग का जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो जीन की रिस्पॉन्सिबल जीन क्या रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए वर्क कर रहा है उसे फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सिंगल जीन इनहेरिटेड डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. साइक्लिक फाइब्रस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जेनेटिक मैप का साइंटिस्ट को एक गाइडलाइन मिलती है. बहुत सारे जीन के वर्क को इसका स्टडी करने को मिलता है. जो नॉर्मल डिसऑर्डर होता है जैसे कि अस्थमा हार्ट डिजीज डायबिटीज कैंसर इन सब का पता चलता है. ये डायग्राम सेम है साइटोजेनेटिक मैप एंड जेनेटिक मैप साइटोजेनेटिक मैप फिजिकल मैपिंग एंड डीएनए का सीक्वेंस. जेनेटिक मैप को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसर्चर ने ब्लड कलेक्ट किया या टिश्यू सैंपल कलेक्ट किया किसी भी मेंबर या फैमिली से जिसमें वो डिजीज प्रेजेंट है उसे रोकने के लिए उस डिजीज को आइडेंटिफाई किया और ये डिजीज को आइडेंटिफाई करके ये पता चला कि इस जीन की वजह से ये डिजीज क्रिएट हो रही है. जिसमें कुछ वेरियस लेबोरेटरी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया RFLP. साइंटिस्ट डीएनए को आइसोलेट करते हैं सैंपल को आइसोलेट करते हैं और यूनिक पैटर्न के साथ केवल ये देखते हैं कि कौन सा फैमिली मेंबर उस डिजीज से सर्वाइव कर रहा है और कौन सा ट्रेट पर्टिकुलर उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है जो अनुवांशिक प्रॉब्लम होती है उसका पता लगता है. ये करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न केमिकल बेस्ड होता है जिसमें डीएनए केमिकल बेस्ड डीएनए बना हुआ होता है और एज अ मार्कर हम उसे यूज करते हैं. डीएनए मार्कर जीन के रिस्पॉन्सिबल को बता जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है. साथ में डीएनए मार्कर जीन के जो पर्टिकुलर जीन क्या वर्क कर रहा है उसके बारे में बताता है. कौन सा जीन क्या डिजीज कॉज कर रहा है उसके बारे में बताता है डीएनए मार्कर.
या रिसर्चर क्रोमोसोम की पर्टिकुलर दैट मीन्स डीएनए मार्कर जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पता करते हैं. पर्टिकुलर अगर कोई भी डीएनए मार्कर हमने यूज किया, जीन मार्कर हमने यूज किया, तो जो डिजीज प्रेजेंट है, किसी का ब्लड सैंपल लिया है, उसका उसे डिटेक्ट किया गया है कि पर्टिकुलर ये जीन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिजीज का आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए मार्कर का यूज करते हैं. लेकिन जो डीएनए मार्कर होते हैं वो अपने आप काम नहीं करते, वो साइंटिस्ट के थ्रू वर्क करते हैं. कोई भी टेक्निक होगी उसे परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट या रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती ही है. ट्रांसपोजोन दैट मीन्स जंपिंग जीन कंटेंट है इसमें. इंट्रोडक्शन, टाइप्स, डीएनए ट्रांसपोजोन, रेट्रो ट्रांसपोजोन, ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस ट्रांसपोजोन, स्लाइसिंग एंड ट्रांसपोजोन. ट्रांसपोजोन्स कैन इनकोड आरएनए, स्लाइसिंग आरएनए दैट मीडिएटेड देयर ऑन स्लाइसिंग. ट्रांसपोजोन आर नॉट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव. देयर आर कंटेंट्स. ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट होते क्या है? ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं. जंपिंग जीन दैट मीन्स जीन का जंप करना. जंपिंग जीन डीएनए के वो सीक्वेंसेस होते हैं जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करते हैं, जंप करते हैं. जंपिंग जीन को फर्स्ट टाइम अब से लगभग 50 इयर्स एगो जेनेटिक्स बारबारा मैक्लिंटन ने इन्हें डिस्क्राइब किया था, बताया था. कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी में इन्होंने इसे बताया था, न्यूयॉर्क में जो सिचुएटेड है. बायोलॉजिस्ट वर इनिशियली स्केप्टिकल ऑफ मैक्लिंटॉक डिस्कवरी. ओवर द नेक्स्ट सेवरल डिकेड्स हाउएवर इट बिकम अ पार्ट दैट नॉट ओनली ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स बट दे आर सो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स जो ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट होते हैं दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं एंड टिपिकली लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट दैट मीन्स जंपिंग जीन, वो जंपिंग जीन जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जीन ट्रांसफर करते हैं. डिस्क्राइब किया था मैक्लिंटॉक ने, डिस्क्राइब किया था न्यूयॉर्क की लैब में, उन्होंने उसे उसके बारे में बताया था. ट्रांसपोजोन्स मेक अप अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो 50% ट्रांसपोजोन्स बनते हैं उसमें, जिसमें से अगर हम ह्यूमन बींग से अलग अलग अगर हम जीनोम मेज के जीनोम में बात करते हैं तो मेज के जीनोम में 90% ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं. ट्रांसपोजोन्स के टाइप्स, जो ट्रांसपोजोन्स है आज की डेट में, ट्रांसपोजोन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में इसका सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की. दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए इनटू डीएनए, आरएनए का डीएनए में ट्रांसफर होना. इन ऑर्डर टू ट्रांसपोजोन एंड दॉट द फॉर्मर एलिमेंट आर नोन एज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और क्लास वन ट्रांसपोजोन्स. जो पहला टाइप है वो है रेट्रो ट्रांसपोजोन. रेट्रो ट्रांसपोजोन को डीएनए ट्रांसपोजोन और क्लास टू ट्रांसपोजोन्स का नाम भी दिया गया. जो पहला टाइप है ट्रांसपोजोन्स का वो है रेट्रो ट्रांसपोजोन और क्लास वन ट्रांसपोजोन, जिसे बाद में डीएनए ट्रांसपोजोन या क्लास टू ट्रांसपोजोन का नाम दिया गया. ACDS सिस्टम दैट मैक्लिंटॉक डिस्कवर फॉल इनटू लेटर कैटेगरीज. डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट आर फाउंड इन जीनोम ऑफ डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म.
रेट्रो ट्रांसपोजोन है एंड द डीएनए ट्रांसपोजोन है. दो टाइप का ट्रांसपोजोन होता है, रेट्रो ट्रांसपोजोन एंड डीएनए ट्रांसपोजोन. इस फिगर में रेट्रो ट्रांसपोजोन और डीएनए ट्रांसपोजोन का यूकैरियोटिक जीनोम में रिलेटिव अमाउंट प्रेजेंट है. इस ये जो ग्राफ शो कर रहा है डीएनए ट्रांसपोजोन एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन की का परसेंटेज शो कर रहा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं. एस सी मीन्स सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई. सबसे पहले जो एस सी लिखा हुआ है वो है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई. सेकेंड एस पी जो लिखा हुआ है साइजो सेक्रोमाइसिस पोम्बे. एच एस मीन्स होमो स्पेनिस. एम एम मीन्स मस मसल्स. ओ एस मीन्स ओराइजा सेटाइवा. सी ई मीन्स सी एन ओ हैबिटेट एलिजीन. डी एम मीन्स ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर. ए जी मीन्स एनोफाइल गैम्बाई यानी कि मलेरिया मॉस्किटो. ए ए मीन्स एडीज एजिप्टी that means yellow fever mosquito. EH means Ethonoba histolyta. यहाँ पे retrovirus and ये आपको जो green color वो blue color का दिखाई दे रहा है, blue color का retrovirus है और DNA retro transposon है sorry, और DNA transposon जो red color में आ रहा है वो DNA transposon है. वो ऐसे यानी कि ओराइजा सेटाइवा की बात करते हैं तो ओराइजा सेटाइवा में जो जो जंपिंग जीन होते हैं जो दो टाइप के होते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन और डीएनए ट्रांसपोजोन. ओएस में यानी कि ओराइजा सेटाइवा में 20% होगा रेट्रो ट्रांसपोजोन और बाकी 80% होगा डीएनए ट्रांसपोजोन. आप इसमें से ओराइजा सेटाइवा का लिख देना. ओराइजा सेटाइवा का आप इसमें से लिख सकते हो और साथ में ड्रोसोफिला का लिख सकते हो आप इसमें. डीएम ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ड्रोसोफिला में 80% रेट्रो ट्रांसपोजोन है एंड 20% डीएनए ट्रांसपोजोन है. तो ओराइजा सेटाइवा का लिख देना आप इसमें से ग्राफ के वे में और ड्रोसोफिला का लिख देना. ये दो का सफिशियंट है. बाकी सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई का भी आप लिख सकते हो इसमें. एस सी में कम्प्लीटली रेट्रोवायरस प्रेजेंट है. एक टीवी का लिख देना ट्राइकोमोनास बेजिनिलाई जिसमें कम्प्लीटली डीएनए ट्रांसपोजर प्रेजेंट है. सभी कंप्लीट या ऑटोनोमस क्लास टू ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटीन ट्रांसपोजोन में इनकोडेड रहते हैं विच दे रिक्वायर फॉर इंसर्शन एंड एक्सिशन जिसमें इंसर्शन और एक्सिशन की रिक्वायरमेंट होती है. सम ऑफ दीज ट्रांसपोजोन ऑल्सो इनकोड देयर प्रोटीन. कुछ ट्रांसपोजोन इन प्रोटीन से इनकोड भी करते हैं. डीएनए ट्रांसपोजोन नेवर यूज आरएनए इंटरमीडियर्स. That means DNA transposon में RNA intermediates का use नहीं होता. They always move on their own, inserting or excising themselves from genome by means so-called cut and paste mechanism. इसमें cut and paste mechanism का use होता है. आप इस figure में देख पा रहे हो DNA transposon. ट्रांसपोजोन हमारे पास डीआर यानी कि आईटीआर डीआर ट्रांसपोजोन एलिमेंट है. ट्रांसपोजोन एलिमेंट में डीएनए ट्रांसपोजोन है, एक रेट्रो ट्रांसपोजोन है. जब रेट्रो ट्रांसपोजोन डीएनए ट्रांसपोजोन में का एक दूसरे के साथ आएंगे. मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ, इसे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. सभी कंप्लीट ऑटोनोमस यानी कि क्लास टू ट्रांसपोजोन एनकोड प्रोटीन ट्रांसपोजोन. विच आर रिक्वायर फॉर इंसर्शन एंड एक्सिशन.
दैट मीन्स डीएनए ट्रांसपोजोन हैव इन्वर्टेड टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट आईटीआर. जो डीएनए ट्रांसपोजोन होते हैं जैसे कि टीसी वन मेनियर दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप इसमें ये डीएनए ट्रांसपोजोन है. डीएनए ट्रांसपोजोन पर आईटीआर यानी कि टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, ठीक है, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट, दोनों साइड टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट है. आईटीआर डीआर प्रेजेंट है दोनों साइड ब्लैक कलर में. सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम ORF, सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम ORF प्रेजेंट है डीएनए ट्रांसपोजोन में. दैट इनकोडेड ट्रांसपोजोन जो ट्रांसपोजोन में इनकोड करती है. दैट आर फ्रेंकली बाय शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट DR ट्रांसपोजोन्स आर डिवाइड इंटू ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस क्लास डिपेंडिंग ऑन वेदर दे हैव ORF दैट इनकोड प्रोटीन रिक्वायर फॉर रिट्रो ट्रांसपोजोन. कॉमन ऑटोनोमस रिट्रोवायरस, जो कॉमन ऑटोनोमस रिट्रोवायरस होंगे LTRS, नॉन LTRS दो टाइप के होंगे, LTRS एंड नॉन LTRS. एग्जाम्पल LTRS रिट्रो ट्रांसपोजोन आर ह्यूमन एंडोजीनस रिट्रोवायरस and various TY elements or of S cerebellum, जो कि वहाँ पे last structure में जो मैंने दिखाया था वहाँ पे ये graph में cerebellum आप वहाँ पे देख पाओगे. कहने का मतलब ये है कि जब आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, एक साइड आप स्ट्रक्चर देखना, दूसरी साइड आप ये इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी फुल फॉर्म क्या है और उसका क्या वर्क है. These elements have terminal LTR and slightly overlapping ORFs for their group scientific antigen protease and polymerase, जिसे GAG PRF and POL बोला गया है, and EMB gene. ये gene present होंगे. They protect target site duplication, open insertion. Also shown are reverse transcriptase and endonuclease domain. Other LTR या retrovirus that are responsible for most mobile element insertion in mice are IAP यानी कि intra cisternal A particle, early transposon यानी कि ATNS and mammalian LTR retro transposons. These elements are not present in humans. ये जो LTR रिट्रोवायरस के एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते एंड एसेंशियल आर डिफेक्टिव, क्योंकि ये सभी डिफेक्टिव की फॉर्म में होते हैं. तो जो रिमेन रिट्रोवायरस हैं वो अभी अननोन है. LI इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन RTR रिट्रोवायरस. LI दूसरा नॉन रिट्रोवायरस है. LI कंसिस्ट 5 अनट्रांसलेटेड रीजन. LI पर 5 अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होता है, जिसमें इंटरनल प्रोमोटर प्रेजेंट होता है. इंटरनल प्रोमोटर के साथ 2 ORFs प्रेजेंट होते हैं और 3 UTR प्रेजेंट होता है, जिसमें पॉली ए सिग्नल जो कि पॉली ए से फॉलोड होता है, एक टेल प्रेजेंट होती है. LI is usually flanked by 7 to 20 बेस पेयर टारगेट. जो इसका टारगेट साइट होती है वो 7 to 20 बेस पेयर तक टारगेट साइट होती है. रिट्रोवायरस यानी कि रिट्रोवायरस EN एक कंजर्व सिस्टीन रिच डोमेन. रिट्रोवायरस EN सिस्टीन रिच डोमेन होता है. सिस्टीन जो अमीनो एसिड है, सिस्टीन रिच डोमेन होता है. एंड ALU भी, ये भी एक अमीनो एसिड है. ये एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिट्रोवायरस नॉन ऑटोनोमस रिट्रो ट्रांसपोजोन्स. ALUs कंटेन 2 सिमिलर मोनोमर्स लेफ्ट एंड राइट एंड आर ए पॉलीटेल. अप्रोक्सीमेट फुल लेंथ एलिमेंट साइज आर गिवन इन द पेरिएंथेसिस. क्लास 2 के जो क्लास 2 के ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट होते हैं वो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं.
लगभग 9 से 40 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं और दोनों एंड पर प्रेजेंट होते हैं। जो फिगर 3 है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीड इन्वर्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कॉम्प्लीमेंट है ACG CTA का तो साथ में इसके होगा TGC एंड GAT। जो रोल होता है टर्मिनल रिपीट का वो ट्रांसपोजोन्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। ट्रांसपोजोन एलिमेंट है, दोनों टर्मिनल पर जो सीक्वेंस है उसी के उसके सिमिलर सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जितने भी ट्रांसपोजोन एलिमेंट होते हैं जो दोनों क्लास क्लास ए एंड क्लास टू क्लास वन एंड क्लास टू दोनों में ही फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट आप देख पा रहे हो, ये फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट है जहाँ पे ACG TTT और यहाँ पे ये TTT फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट जो पार्ट होते हैं ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये ट्रांसपोजन एलिमेंट को इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे ही ट्रांसपोजन एलिमेंट एक्साइज्ड फॉर्म में आते हैं तो ये जो रिपीट्स होते हैं ये लेफ्ट कर जाते हैं फुटप्रिंट के साथ। समटाइम ऐसा होता है ये फुटप्रिंट जीन एक्सप्रेशन के बाद लेफ्ट करते हैं। लेस देन 2% ह्यूमन जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ क्लास 2। ह्यूमन जीनोम में 2% से कम क्लास 2 ट्रांसपोजोन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो मेजोरिटी होती है सब्सटेंशियल पोर्शन की ह्यूमन जीनोम में कि जो मोबिलिटी की स्टेज होती है उसमें मेजर क्लास होती है रिट्रो ट्रांसपोजोन की। रिट्रो ट्रांसपोजोन अनलाइक क्लास 2 एलिमेंट क्लास 1 एलिमेंट ऑल्सो नोन एज रिट्रो ट्रांसपोजोन। क्लास 1 एलिमेंट को रिट्रो ट्रांसपोजोन कहते हैं, मूव थ्रू एक्सन RNA इंटरमीडियर्स, जो RNA इंटरमीडियर्स के थ्रू रिमूव होते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास 1 ट्रांसपोजोन ट्रांसपोजोन के लिए एनकोड नहीं होते, यानी कि जिसमें RNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिट्रो ट्रांसपोजोन्स भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स की इसकी क्लास होती है। क्लास 1 यानी कि LTR रिट्रो ट्रांसपोजोन जो करेक्टराइज होती है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट से। एक होती है नॉन LTR जिसमें टर्मिनल रिपीट प्रेजेंट नहीं होते। दोनों टाइप के LTR एंड नॉन LTR में LI और ALU जीन का रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। एलिमेंट का जो एवरेज होता है 7 किलो बेस पेयर तक होता है लेंथ में। जो ALU एलिमेंट्स होते हैं उनका एवरेज केवल फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड तक ही होता है। ट्रांस एबिलिटी जो होती है ट्रांसपोजोन की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है, जीनोम को इनहिबिट करने के लिए यूज होता है, ट्रांसपोजोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ट्रांसपोजोन एलिमेंट एक इवोल्यूशन का पार्ट है, जीन के रेगुलेशन का पार्ट है सभी ऑर्गेनिज्म में जो जिनके पास सिक्वेंसिंग प्रेजेंट होती है।